अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों अहबाब खैर व आफियत से होंगे और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। नाज़रीन किराम, आप सबका बहुत खैर मकदम है। भारत एकता न्यूज़ चैनल में एक बड़ी अहम खबर है। इस्लामिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र दारुल उलूम देवबंद की मजलिस शुरा ने एक अहम फैसला लेते हुए जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद हजरत मौलाना सैयद महमूद असाद मदनी साहब को मजलिस शुरा का रुकन सदस्य बनाया है। हाँ नाज़रीन किराम, एक बड़ी अहम खबर आ रही है कि इस्लामिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र दारुल उलूम देवबंद की मजलिस शुरा ने एक अहम फैसला लेते हुए पूर्व सांसद जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सैयद महमूद असाद मदनी साहब को मजलिस शुरा का सदस्य बनाया है और इसकी पुष्टि, इसकी जानकारी दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी साहब ने दी है। नाज़रीन किराम, आपको बता दें कि दारुल उलूम देवबंद की मजलिस शुरा में ये एक अहम पद खाली चल रहा था जिस पर कल शाम हजरत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष हैं, पूर्व सांसद हैं, उनके नाम का ऐलान कर दिया गया है। आप क्या कहते हैं पूरी खबर को, जरूर कमेंट्स कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।